आज शाही दावत बनने वाली है, और ये जो शाही दावत है ये इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई दावत जो है वो शाही होनी चाहिए और आपका जो मतलब मज़ा खाने के साथ में और बढ़ जाए, इसके लिए मतलब थोड़ा सा राजसी टच होना चाहिए खाने में। ऐसा होना चाहिए कि लगे कि आप किसी बड़े से होटल रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे हैं। तो जितना भी खाना बनाएंगे थोड़ा सा रिच होगा, थोड़ा सा राजसी होगा, थोड़ा शाही होगा। तो अब इसके लिए तैयार रहिए, लेकिन ना फिर भी बता देंगे कि कैसे कैसे थोड़ी कैलोरीज कम करनी है। अब देखिए कभी कभी तो लोग घर पे आते हैं, अब उस दिन थोड़ा सा लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो अलग खाना एक्सपेक्ट करते हैं ना, मतलब थोड़ा सा रिच खाना। तो ये जो राजसी खाना है ये बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, और ये पहली रेसिपी है पनीर के साथ में। ये वॉक रख दी, और वॉक को तेल डाल के थोड़ा सा गरम कर लेते हैं, और इसमें ये हमारे पास प्याज हो गया। अब जरा इसके अंदर जीरा, ये प्याज और कैप्सिकम, इसके अंदर ये मेरे पास कटे हुए टमाटर, अब इसमें लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, और इसमें हल्दी, टोमेटो प्यूरे, ताकि ये जो रेसिपी है रेशमी पनीर की, जी हाँ रेशमी पनीर के स्टाइल से बना रहे हैं इसे। हम रेस्टोरेंट वगैरह में जब जाते हैं ना तो ऑर्डर करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। एक काम करते हैं, पनीर ये ले लिया, पनीर, पनीर के पीसेस, क्रीम कम या ज़्यादा वो तो अपने ऊपर है, लेकिन थोड़ी लटपटी होनी चाहिए, एकदम ड्राई ना रखें इसको। और अगर बहुत ज़्यादा मूड आ रहा है और ज़्यादा रिच करना है तो इसी में ही थोड़ा सा मावा डाल दें, खोया डाल दें, फिर देखिए लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, कुछ तो काट भी लेंगे। और इसमें हम डालते हैं नमक स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर, हाँ ये जब तक नहीं पड़ेगा ना तो खाने में मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा इसके अंदर पानी, वाह। अब इसके अंदर प्यार से पनीर, और पनीर थोड़ा बड़ा बड़ा, और इसके अंदर अब थोड़ी सी ये रिचनेस। मैंने कहा ना कि शाही खाना, और ये जो शाही खाना है ना ये इसमें थोड़ा सा क्रीम जाते इसकी जो रंगत है ना वो बदल जाती है। अब देखिए ये कैसे बदल गया, अब ऐसे लग रहा है ना कि ये किसी महंगे रेस्टोरेंट में आ गए हैं। चलिए इसके अंदर कुटा हुआ गरम मसाला, और ये डलते ही क्या खुशबू आ रही है। तो इसमें और क्या डलेगा, इसके अंदर ये हरा धनिया, ये डल गया, और अब ये पनीर जो है देखिए फटाफट कैसे तैयार हो गया, घर में भी ऐसे ही तैयार हो सकता है। तो ये जो फाइनल तैयारी है ना वो सबसे ज़्यादा कठिन होती है। ये लीजिए हमारे पास मज़ेदार पनीर गर्मा गर्म, पनीर रेशम जैसा पनीर होना चाहिए इसमें, बढ़िया तैयार है गर्मा गर्म टेस्टी रेशमी पनीर। बाजार से मंगवाने की क्या ज़रूरत है, रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है, घर का रेस्टोरेंट खुल गया है।